रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ पुतिन के साथ ईरान और उत्तर कोरिया खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में पूरा नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने में लगा हुआ है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद पश्चिमी देश हथियारों की सप्लाई के मामले में पुतिन को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन लगातार अपनी जमीन खोता जा रहा है। और अब इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिकेल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे यह साबित होता है कि रूस की हथियारों की फैक्ट्रियों के आगे पश्चिम कहीं भी नहीं टिक पा रहा है। दरअसल चार्ल्स मिकेल ने कहा कि यूरोपीय देशों को अपने हथियारों के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में लगातार हथियारों की कमी हो रही है। इसके अलावा मिकेल ने यह भी कहा कि ये हमारे यूरोपीय महाद्वीप के लिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यदि हमें यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली और हम यूक्रेन को रूस को रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं देते हैं, तो अगला नंबर हमारा है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि दशकों तक यूरोप अपनी सुरक्षा और रक्षा में पर्याप्त निवेश करने में विफल रहा है। हमें अपनी सोच में रणनीतिक सुरक्षा के प्रति एक क्रांतिकारी और अपरिवर्तनीय बदलाव की जरूरत है। चार्ल्स ने रूस के खतरे को लेकर आगे कहा कि इसलिए हमें रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और युद्ध अर्थव्यवस्था मोड में तब्दील होना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का समय है। हम अब दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, या अमेरिका या अन्य जगहों पर चुनावी चक्रों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब से ही यूरोपियन यूनियन ने अपना रक्षा उत्पादन 50% तक बढ़ा दिया है, और अब यूरोपियन यूनियन अगले साल के अंत तक 20 लाख से ज्यादा गोलों का उत्पादन करेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन से मार्च 2024 के अंत तक 10 लाख राउंड गोले सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन ईयू अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार गोला बारूद और बड़े हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है। यहां तक कि अमेरिकी संसद में भी $60 अरब का मिलिट्री पैकेज अटका हुआ है, तो वहीं यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन के लिए पर्याप्त संख्या में हथियारों की खरीद करने में नाकाम रहा है, जिसका खामियाजा यूक्रेनी फौज को भुगतना पड़ रहा है।